नमस्ते दोस्तों, आज हम आम के कूचा बनाएंगे। ये भी एक तरह का आम का अचार होता है। बिहारी तरीका से हम आम का कूचा बनाकर बताएंगे। आम का अचार का रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आम को छील लेंगे, किनारे को पहले काट के हटा देंगे, उसके बाद छील लेंगे। अच्छे से आम को छील लेंगे। हम 8-10 कच्चा आम लिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी तरह से सारे आम को छील लेंगे। देखिए, सारे आम को अच्छे से छील लिए हैं। अब अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद आम को काट लेंगे। अब आम को पहले दो हिस्सा करेंगे और छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे। छोटा छोटा पीस में आम को काट लेंगे। आप किसी भी आकार में आम को काट सकते हैं। आम के गुठली को फेंके नहीं, इसको सुखा के आप सब्जी में यूज कर सकते हैं। बैंगन के सब्जी में या आलू के सब्जी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खट्टा सा टेस्ट लगता है। देखिए, सारे आम को काट लिए हैं। अब इसे एक खलबट्टा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर कूट लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे खलबट्टा में और कूट लेंगे। इसी तरह से सारे आम को कूट लेंगे। आम को दरदरा कूट लेंगे। इसे आप कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। अब सारे आम कूट लिए हैं। अब उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से कूट लेना है। आम के लिए मसाला तैयार करेंगे। लगभग 50 ग्राम पीली सरसों है और 50 ग्राम के करीब पचफोरन है। अब दोनों को रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले सरसों को डालेंगे और चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हल्का ही रोस्ट करना है। देखिए, रोस्ट हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर पचफोरन को भी रोस्ट कर लेंगे। इसे भी 2-3 मिनट तक रोस्ट करना है हल्का। देखिए, रोस्ट हो गया है। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब एक मिक्सी के जार लेंगे और उसमें सरसों और पचफोरन को दोनों को डालकर पीस लेंगे। अच्छा से पाउडर बना लेंगे। रोस्ट करने के बाद हल्का ठंडा कर ले तब पीसें सरसों और पचफोरन को। देखिए, अच्छे से पीस लिए हैं, पाउडर बना लिए हैं। देखिए, ऐसे ही पीसना है। आम के कूट के जो रखे थे उसमें अब मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जो अचार के लिए सरसों और पचफोरन का मसाला तैयार किए थे उसमें से 4 चम्मच डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब उसमें सरसों का तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाले हैं। सरसों का तेल से अचार बहुत अच्छा बनता है। अचार में पहले से इसलिए तेल डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो। धूप भी ना निकले तो अचार नहीं खराब होगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अचार के लिए कुछ और मसाला तैयार करेंगे। 8-10 लहसुन के कलिया को अलग करके ले लिए हैं। 1/12 अदरक को छील के काट लिए हैं, उसे भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। और 15-20 हरी मिर्च है, उसे भी तोड़ के डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से धो के साफ कर लिए थे।
अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए अच्छे से पेस्ट बना लिए हैं, अब इसे कुचा में मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे 4 दिन धूप में सुखा लेंगे। देखिए कुचा बनकर तैयार है, 4 दिन सुखा लिए हैं, अच्छे से सूख गया है। अब इसमें तेल मिला के एक शीशा के कंटेनर में रख देंगे। सरसों का तेल मिलाएंगे, थोड़ा सा तेल डाल के पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मिक्स हो गया है, अब कंटेनर में डाल देंगे। शीशा के कंटेनर में रख दिए, अब इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे सरसों का। देखिए आम का कुचा के अचार बनकर तैयार है। इसे आप 1-2 साल तक स्टोर करके खा सकते हैं और इसे आप दाल चावल या किसी भी खाना के साथ ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और बताइएगा कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।